Now, we would be solving question number 3. The next question is question number 3. ठीक है? We'll read the question as it is. Just in the way we had solved some previous problems. Now, what is given? A symmetrical section 300 mm deep has a moment of inertia of 22.6 into 10 raised to 6 mm raised to 4. एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली दिया हुआ है, देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वैल्यू. ओके, अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, फुल स्टॉप. डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट सिंपली सपोर्टेड स्पान ऑफ द बीम टू कैरी अ यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर रन विदाउट एक्सीडिंग द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 125 मेगापास्कल. ठीक है, सो वॉट एवर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा. क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे. नाउ अ सिमेट्रिकल सेक्शन 300 mm डीप हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of 22.6 into 10 raised to 6 mm raised to 4 about its neutral axis. I का value दिया हुआ है, I is equal to 22.6 into 10 raised to 6 mm raised to 4. ठीक है, next determine the longest simply supported span. See here, longest simply supported span का मतलब length, the length of the beam. सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बीम टू कैरी अ यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर. सो यूडीएल इज, और यू कैन से इट इज डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर. 4 किलो न्यूटन पर मीटर रन विदाउट एक्सीडिंग द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 125 मेगापास्कल. सिग्मा बी इज 125. Sigma B is 125 megapascal, which is Newton per mm square. ठीक है, यहाँ पे आपसे length of the beam पूछा है, the length of the simply supported beam. So here I can draw a simply supported beam. Okay, its length is what we have to calculate. And what is given? आप ये समझो कि यहाँ पे डिटरमिन द लॉन्गेस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम और सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ द बीम टू कैरी अ यूडीएल, यानी इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल है जिसका वैल्यू है 4 किलो न्यूटन पर मीटर. सो दिस सिंपली सपोर्टेड बीम इज हैविंग अ यूडीएल, इज हैविंग अ यूडीएल विच इज डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, नाउ सो लेंथ ऑफ द बीम इज अ क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको डेप्थ दिया हुआ है. इफ आई रीड द क्वेश्चन, सी हियर, अ सिमेट्रिकल सेक्शन 300 mm डीप. आपको सिर्फ डेप्थ दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. क्रॉस सेक्शन नहीं बताया है, इसीलिए उन लोगों ने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली दिया हुआ है. ओके, सिंस दे हैव नॉट गिवन यू द विड्थ, दे हैव डायरेक्टली प्रोवाइडेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ये जो डेप्थ है, दिस वुड बी यूजफुल टू अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. सो d इज इक्वल टू 300 mm. d इज इक्वल टू 300 mm. ओके, सो नाउ वी वुड बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई विल राइट द सॉल्यूशन. सी हियर, आप पहले इस बीम को देखो, दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ अ बीम. हियर आई हैव सिंपली सपोर्टेड बीम, आई कैन कॉल दिस एज बीम ए बी having UDL. तो इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे bending moment. So I can write, since bending moment for given beam is as, bending moment is, हमें मालूम है bending moment simply supported beam with UDL के लिए, that is WL square by 8. ठीक है, अभी हम लोग अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, W इज 4, ओके, किलो न्यूटन है, इट इज 4 किलो न्यूटन. सो व्हाट वी कैन डू, 4 इंटू 10 रेस टू 3, आप उसको कन्वर्ट करो. इज दैट फाइन?
So it is 4 kilonewton, you can say per meter length. So per meter, fine. You can see here, it is 4 kilonewton per meter length. I have converted into newton. Now, L is what I have to calculate. So L ko main aise rakhta hu, L square, divide this by 8. Okay. Now, so therefore my M value will be, it will be 0.5 into 10 raised to 3. L square और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर. ठीक है, अभी इसी m को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू न्यूटन mm. सो इट विल बी 0.5 इनटू 10 रेस टू 6 L square न्यूटन mm. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1. मैंने इसको mm में क्यों कन्वर्ट किया है, ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है, जो स्पैन ऑफ द बीम है, लेंथ ऑफ द बीम है, उसका आंसर हमें mm में मिले. ओके, after getting m, again I would be writing the flexural formula. I can write the flexural formula. Since the flexural formula is given by, since the flexural formula is given by bending stresses में जहां पे भी आपको unknown पूछा है, आपको उसका आंसर मिलेगा हमेशा फ्लेक्चरल फॉर्मूला में. सो आई विल राइट इट एज एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई. नो नीड टू राइट कैपिटल ई अपॉन आर बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट देम. नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, कैपिटल एम हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एल है वो. ओके, आई का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. सिग्मा बी, it is given as 125 megapascal. Why? We can get it from depth. So all things are there. After this, I can say that put all values. Okay, this will be my equation number 2. So I'll say that put all values in equation number 2. Therefore, capital M, ye hame mila hai 0.5 into 10 raised to 6. L square divided by I. I का value है 22.6 into 10 raised to 6. This is given in the question. I is 22.6 into 10 raised to 6 is equal to sigma b. What is sigma b? Sigma b is 125 divided by y. Y is d by 2 और d आपको question में दिया हुआ है. D is 300. So your Y is 300 divided by 2. Fine, you can write down since Y is equal to D by 2. Okay. Now I would be calculating the value of L. To calculate this, I'll have to shift all terms on one side, keep L on the other side. So it is 125. ये 22.6 into 10 raised to 6 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 0.5 into 10 raised to 6, 0.5 into 10 raised to 6 और यहाँ पे 300 by 2 which is 150. सो इफ आई कैलकुलेट न्यूमरेटर, डिवाइड दैट बाय डिनोमिनेटर और उस आंसर का अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूँ, सो आई वुड बी गेटिंग एल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ mm. And my answer of L comes out to be 6.13 into 10 raised to 3 mm, or you can say it is 6.13 meter. ठीक है, so that's my answer. Fine. और इस question में हमसे पूछा था length of the simply supported beam carrying UDL. So length of the simply supported beam which is carrying a UDL, उसका हमें answer मिला है, that answer is 6.13 meters. Okay, so with this we have completed question number 3 for today. Now let us go on to the fourth question.